आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है। निर्वाचन आयोग के आदेश अनुसार ग्राम पंचायत चुनाव के लिए जनपद सभागृह बागली में आरक्षण प्रक्रिया को पूरा किया गया, जिसमें जनपद पंचायत बागली के अंतर्गत आने वाली 118 ग्राम पंचायतों के लिए सरपंच और पंच के पदों के लिए आरक्षण किया गया। बागली SDM शुभारम्भ सोलंकी, तहसीलदार विवेक सोनकर, हाट पिपले तहसीलदार सत्येंद्र बेरवा, उदयनगर तहसीलदार स्वाति तिवारी, नायब तहसीलदार अनिता बरेठा, रुचि गोयल, जनपद CEO प्रभांशु सिंह की उपस्थिति में आरक्षण प्रक्रिया पूरी की गई। बागली SDM शुभारम्भ सोलंकी के अनुसार 118 ग्राम पंचायतों के लिए सरपंच और पंच पद की आरक्षण प्रक्रिया को आरक्षण वर्ग में कुल 66 ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति की 19 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 ग्राम पंचायतों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया की गई। वही अनारक्षित वर्ग की 52 ग्राम पंचायतों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा किया गया। कुल पंचायतों के आधार पर 50% आरक्षण महिला पद के लिए आरक्षित किया गया है। हालांकि जनपद पंचायत बागली में OBC के लिए आरक्षण नहीं हुआ। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। हाँ, जैसा कि विदित है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार एवं मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार आज 118 ग्राम पंचायतों का आरक्षण की कार्रवाई की गई है और संपूर्ण कार्रवाई बाकायदा रिकॉर्डिंग और उपस्थित गणमान्य व्यक्ति अधिकारियों के समक्ष की गई है। कुल 118 ग्राम पंचायतों में से अनुसूचित जाति के लिए 18 ग्राम पंचायत, 19 ग्राम पंचायत, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 ग्राम पंचायत, इस तरह से कुल 66 ग्राम पंचायत हमारे आरक्षित की गई है। क्योंकि 50% से अधिक आरक्षण होने के कारण पिछड़ा वर्गों को आरक्षण नहीं देने का प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया था। शेष 52 ग्राम पंचायत बची है, उसमें से 25 ग्राम पंचायत महिलाओं के लिए आरक्षित की गई और शेष ग्राम पंचायत मुक्त रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।